नानक देव के जन्मदिन से एक दिन पहले एक नई तरह की सियासत शुरू होगी। सिखों को तोहफा देते हुए केंद्र सरकार ने करतारपुर साहब तक कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। सिखों का पवित्र स्थल करतारपुर साहब पाकिस्तान में, और सिखों के लिए करतारपुर साहब खास होने की वजह कई है। माना जाता है कि सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म की शुरुआत करने वाले गुरु नानक देव ने जीवन के आखिरी 18 साल करतारपुर साहब में ही बिताए थे। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि करतारपुर साहब का गुरुद्वारा खुद गुरु नानक देव ने ही बनवाया था, लेकिन 1947 में हुए देश के बंटवारे के बाद सिखों का पवित्र स्थल पाकिस्तान में चला गया। तब से ये मांग उठ रही है कि भारत और पाकिस्तान मिलकर सिखों के इस पवित्र स्थल के लिए कॉरिडोर बनाएं। मोदी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि कॉरिडोर बनाने का काम गुरु पर्व के बाद शुरू हो जाएगा। करतारपुर साहब कॉरिडोर जो होगा, डेरा बाबा नानक गुरदासपुर से लेकर यहाँ तक लगभग 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसका इतना बड़ा साइज होगा। उसका निर्माण इस 550वें जन्मवर्ष के उपरांत किया जाएगा। पंजाब से लगने वाली सरहद के पास रावी नदी बहती है। नदी के किनारे पाकिस्तान में करतारपुर साहिब, और सरहद के दूसरी तरफ यानी भारत के पंजाब में डेरा बाबा नानक है। यहाँ वो गुरुद्वारा है जहाँ लगी दूरबीन से लोग करतारपुर साहिब के दर्शन करते हैं। दोनों जगहों के बीच केवल 6.3 किलोमीटर का फासला है। दोनों जगहों को जोड़ने पर दोनों देशों की सरकारों के बीच दशकों से बात चल रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। गुरु नानक देव के 550वें जन्मदिन के मौके पर सरकार ने केवल कॉरिडोर बनाने समेत कई घोषणाएं की। पंजाब के डेरा बाबा नानक से भारत पाकिस्तान सीमा तक यानी भारत में पड़ने वाले हिस्से का कॉरिडोर भारत सरकार बनाएगी। गुरु नानक देव के जीवन से जुड़े शहर सुल्तानपुर लोधी को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुल्तानपुर लोधी में ही पिंड बाबे नानकदा नाम से एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। दिल्ली में गुरु नानक देव जी के जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कराए जाएंगे। देश के तमाम राज्यों में ही दुनिया के कई देशों में गुरु नानक देव का 550वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। केंद्र सरकार इस मौके पर गुरु नानक देव की तस्वीर वाले सिक्के और डाक टिकट भी जारी करेगी, तो रेलवे गुरु नानक देव के जीवन से जुड़े धार्मिक स्थलों तक पहुंचने के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाएगी। लेकिन केंद्र सरकार ने जैसे ही घोषणाओं का पिटारा खोला, एक नया विवाद शुरू हो गया, क्योंकि 2 महीने पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खोलने की मांग केंद्र सरकार से उठाई थी, और ये दावा कर दिया था कि अगर भारत सरकार ऐसी पेशकश करती है तो पाकिस्तान दिल खोलकर इस पहल का स्वागत करेगा। कैबिनेट के फैसले का ऐलान होते ही नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया कि मैं दिल की गहराइयों से पूरी विनम्रता से भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मैं पाकिस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री इमरान खान साहब से निवेदन करता हूँ कि वो भी करतारपुर साहब कॉरिडोर खोलने के लिए जवाब में ऐसा ही कदम उठाएं। बाबा नानक के भाईचारे और शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैलाएं। बहुत देर कर दी थी आते आते, पर देर आज रोस्ता है, और हम वेलकम करते हैं, शीश झुका के आई टेक अ बाउ, इस्तकबाल करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं सब के सब, क्योंकि बाबा नानक सबके सांझे थे। थोड़ी देर में पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने भारत के कदम का स्वागत कर दिया। उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए इसे अमन की तरफ उठाया गया कदम बता दिया। I think it can start as early as this month. 2019 is going to be a special year for Karthapur Gurdwara is concerned. We want to do all we can to facilitate the pilgrimage. Our objective has remained a normalization of relationships with India. This is more of an humanitarian issue rather than a political issue. ये जवाब ऐसा था जैसे पाकिस्तान तो भारत की तरफ से पहल के इंतजार में ही बैठा था। इसलिए ऐसा लगने लगा कि दोनों मुल्कों की सरकारें अब सिखों के लिए करतारपुर साहिब के दरवाजे खोलने पर काम करेंगी, लेकिन भारत में इस पर नई सियासी जंग छिड़ गई। क्योंकि 2019 में गुरु नानक देव का 550वां जन्मदिन होने के साथ साथ देश के आम चुनाव भी हैं। हरसिमरत कौर बादल ने इसे मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला करार दे दिया। मोदी साहब की सरकार आई तो आज कैबिनेट ने इतना हिस्टोरिक फैसला कि डेरा बाबा नानक गुरदासपुर से लेके इंटरनेशनल बॉर्डर तक एक बिल्कुल मॉडर्न एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, और पाकिस्तान को अपील करा जाएगा वो अपनी तरफ से भी वो करे। इमरान खान के शपथ ग्रहण में शामिल होने नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए थे। लौटने के बाद सिद्धू ने दावा किया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने उनसे करतारपुर साहिब के दरवाजे भारत के लिए खोलने की पेशकश की थी। सिद्धू की आलोचना पाकिस्तान जाने के लिए तो हुई ही थी, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से गले मिलने पर भी उन्हें खूब कोसा गया। लेकिन अब कांग्रेस ने मौके पर चौका मारने में देर नहीं की, दावा कर दिया कि करतारपुर साहब कॉरिडोर पर फैसला सिद्धू के दबाव में हुआ। वो ये भी कहती है कि पाकिस्तान से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी, और आज करतारपुर के दबाव सिद्धू का दबाव इतना काम कर रहा है। सिद्धू तो उनकी नजर में देशद्रोही हैं जो पाकिस्तान चले गए थे। हालांकि अकाली दल सिद्धू का नाम तक सुनने को तैयार नहीं। ये सिद्धू का के रोल ही नहीं है,